अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे घिया तुरई। आप चाहे तो एक और की दूसरी तुरई आती है उसको भी इस टाइप का बना सकते हैं। तो हमने ये इस तरह की घिया तुरई को इसका छिलका निकाल के इस तरह से काट लिया है। तो हम इसको थोड़ी पतली पतली बनाएंगे, ये हांडी टाइप इससे बघारेंगे हम। तो हमें इसके लिए लगेगा, हमने 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ली है, 1 टेबल स्पून धनिया की बुकनी लगेगी और 5-6 हरी मिर्चियाँ जो हम बघार में डालेंगे और 1 टीस्पून अदरक लहसुन, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए और थोड़ा सा पकते अखरोट डालेंगे हम। और 1 मीडियम साइज़ की प्याज की डली को हमने इस तरह से बारीक चॉप कर दिया है और 1 टमाटा जो हमने मीडियम साइज़ का लिया था और 100 ग्राम यानी कि 1 कप हमने मटन लिया है। तो चलिए इसे हम कुकर में बघारेंगे। हमने ये 250 ग्राम तुरई ली है यानी कि पाव सेर, उसके हिसाब से हमने ये सब चीज़ें ली है। हल्दी और नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। चलिए अब हम इसे बघा लें। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले तेल डालेंगे, 4 से 5-6 टेबल स्पून उतना तेल डालेंगे हम। आप तेल और मिर्ची आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये हमने 6 टेबल स्पून उतना तेल डाला है और ये जो प्याज रखी थी ये डाल देंगे और इसे थोड़ा हल्का सा ट्रांसपेरेंट हुए तक इसे हम फ्राई करेंगे। चलिए इसमें हम ये अच्छे से हमारी हल्की सी ब्राउन हुई है तब इसमें हम अदरक लहसुन का, सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फिर उसके बाद ये मिर्ची पाउडर, ये धनिया पाउडर, फिर हल्दी, पाव टीस्पून इसमें हल्दी डाला हमने, फिर ये जो टमाटर रखे थे ये भी डाल देंगे। नमक डाल देंगे इसमें, मटन में भी नमक था हमारे तो इसलिए हम वो पाव टीस्पून इतना नमक डाल दें, बाद में चक्कर डालेंगे। चलिए मटन भी डाल देंगे। और ये जो हरी मिर्ची रखी थी हमने उसको हमने कट लगा दिए हैं, उसको अब इसमें डाल देंगे। ये हरी मिर्ची को डाल देंगे। बस अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे, बस हमें 1 सीटी हुई उतना ही से तलने देना है, बाद में हम तुरई दाल के और लगा देंगे। हमने इसे 1 सीटी होने तक ही गलने दिया था। इसे 1 सीटी के बाद इसकी भाप निकाल के हमने खोल दिया है। इस तरह से हमारा ये अच्छे से टमाटर प्याज गल गई है। अब इसमें हम तुरई डाल देंगे और थोड़ा पानी डाल देंगे। ये हमने 1/2 कप उतना पानी डाला है इसमें, इसमें हम तुरई डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप चक्कर आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं कम ज़्यादा। तो चलिए ये तुरई जो रखी थी हम इसमें डाल देंगे। इसको बहुत ज़्यादा हमें सूखी नहीं बनाना है, इसे थोड़ी पतली पतली ही रहने देना है। बहुत अच्छी लगती है ये थोड़ी पतली पतली। थोड़ा हम और पानी डाल देंगे, बिल्कुल 2 टेबल स्पून का पानी डाला हमने, टोटल हमने 1/2 कप ही पानी डाला है। अब इसे चलिए लगा लेंगे हम, कुकर को लगा लेंगे हम, बस हम 1 सीटी हुए उतना ही इसे गलने देंगे।
हमने इसे बस एक सीटी होने तक ही गलने दिया है। ये हमारी तुरई अच्छे से गल गई। अब इसमें हम ये हरा धनिया डाल देंगे। इस तरह से हमने इसे इतनी पतली रहने दिया। बस इसे हम एक गार्निशिंग वाले बाउल में निकाल लेंगे जिसमें हम गार्निशिंग करेंगे, जिससे हरे धनिए की। चलिए अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। लीजिए बहनों, ये हमारी घिया तुरई तैयार है। इसे आप घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।